मैं इस मौके इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे RPSC के हो चाहे वो UPSC के हों, एग्जाम देके पास होकर आते हैं, एक प्रकार शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए, इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का, हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार बन गई है जैसे आप देखा होगा, और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल का शासन था UPA का, आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं, 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे, आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए, कहाँ तो 10 साल में 112 का 9 साल के अंदर 3010 छापे, 4 चीट पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी, इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%, अब है सिर्फ 888 जगह 4 चीट पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है, इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो, जब छापे डाल दिए आपने 9-9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, TV देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के, अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जनमंद है, देश देख रहा है, बेबस है देश, आप मेरी भावना की कदर करना मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कदर करोगे, देश बेबस है, मणिपुर में जो हो रहा है पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे वो अभिन्न अंग है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है, और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए, इतनी बड़ी घटना हो जाए वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है CM ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछे, सब मालूम है आपको, तो क्या हो रहा है